12 मार्च 1993, ये वही दिन है जिस दिन देश की माया नगरी दहल उठी थी। भारतीय इतिहास का वो दिन जिसने देश में आतंकवाद की नई परिभाषा गढ़ दी। इन सीरियल धमाकों में 257 लोग मौत की नींद सो गए। आम दिनों की तरह मुंबई तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। ठीक दिन के 1:30 बजे 29 मंजिला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत एकदम से हिल गई और लोगों ने एक ऐसे धमाके की गूंज सुनी जिसने मुंबई की रफ्तार को ब्रेक लगा दिया। धमाके के बाद धुएं का गुबार छटा तो तबाही का मंजर सामने आया। बेसमेंट की पार्किंग में RDX से लदी एक कार में टाइमर के जरिए धमाका हुआ था जिसमें 84 बेगुनाह मारे गए और करीब 225 जख्मी हुए थे। BSE का धमाका तो बस शुरुआत थी। इसके बाद शुरू हुआ धमाकों का सिलसिला। 45 मिनट बाद 2:15 बजे नरसिंहनाथ स्ट्रीट की अनाज मंडी में एक ट्रक में धमाका हुआ। मंडी में 5 लोग मारे गए और कई लोग लहूलुहान जमीन पर पड़े थे। लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे कि फिर तभी एक और धमाका हुआ। इस बार जगह थी शिवसेना भवन और समय था 2:30-2:30 बजे। शिवसेना भवन के पास हुए धमाके में 4 की जान गई और 50 जख्मी हुए थे। जब तक शहर कुछ समझ पाता, 3 मिनट के भीतर ही स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ही दूर नरीमन पॉइंट की एयर इंडिया की इमारत के पार्किंग में धमाका हुआ। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 87 लोग घायल हो गए। 12 मिनट के भीतर ही वर्ली के संचरी बाजार के सामने मौत का तांडव दिखा। पहले एक डबल डेकर बस में धमाका हुआ था, 5 दूसरी बसें भी इसकी चपेट में आ गई थी। अकेले इस धमाके में 113 लोग मारे गए थे। बस धमाके की विभीषिका से लोग संभले भी नहीं थे कि माहिम क्रॉसवे में धमाके ने 3 की जान ले ली। इसके 20 मिनट के भीतर ही हीरे जवाहरात का बाजार धमाके से दहल उठा और 17 लोग मारे गए। झावेरी बाजार में एक लावारिस स्कूटर में विस्फोटक रखे गए थे। 5 मिनट बाद ही बांद्रा के सी रॉक होटल की 18वीं मंजिल में धमाका हुआ। किस्मत अच्छी थी, इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 3 मिनट बाद ही प्लाजा सिनेमा की पार्किंग में खड़ी कार में धमाके ने 10 लोगों की जान ले ली जबकि 37 लोग घायल हो गए। अगले 7 मिनट तक यूं ही सन्नाटा पसरा रहा। फिर जुहू से खबर आई, वहां सेंटूर होटल में धमाका हुआ था जिसमें 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। सेंटूर होटल के धमाके की आवाज थमी भी नहीं थी कि फिर सहार एयरपोर्ट के पास भी एक हल्का धमाका हुआ। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था। इसके बाद तो मुंबई में मानो मातम पसर गया, चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। एक के बाद एक 12 सीरियल धमाकों के जरिए आतंक ने मुंबई पर हमला बोल दिया था जिसने मुंबई शहर की पहचान बदल दी थी। इस धमाके में होटल, बैंक, कार्यालय, इमारत वगैरह को लक्ष्य बनाया गया था ताकि अधिक से अधिक लोग हताहत हो सके और भारत को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक क्षति पहुंचाई जा सके। धमाकों में करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। धमाके के बाद चारों ओर छितराई लाशें, रोते बिलखते और डर से चीखते लोग दिख रहे थे। हर किसी को अस्पताल पहुंचाने की जल्दी थी। कितनों के सुहाग छिन गए, कितने अनाथ हो गए, कितनों की कलाइयां सूनी हो गई। अगले ही दिन मुंबई ने फिर रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन इंसाफ का इंतजार काफी लंबा रहा और न्याय मिलने में 22 साल लग गए। न्यूज़ नाइट डेस्क, DT न्यूज़।